अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी का व्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है और मैं सुबह हो गया हूँ, थोड़ा बहुत तैयार। जाना है बरगवां अंकल आंटी को छोड़ने के लिए, तो मैं निकल चुका हूँ अभी सुबह अंकल आंटी के घर के पास, उनकी कार को ही लेकर जाना है। तैयार? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये निकल लिए हैं बरगवां की ओर रेलवे स्टेशन, और अंकल को छोड़ के आ जाएंगे। अकेले आने में काफी बोरिंग होगी। हो गया, गाना बजता है ना? गाना है भी, अब नहीं, ब्लूटूथ से नहीं चलाएंगे। आप तो YouTube पे देखते हैं? कब देखे? डियर सिस्टर, क्या कर रही है? माइक मेरे पास लगा हुआ है इसीलिए उसको। ये पाइप वो जो रोड के किनारे किनारे डलता है वही है ना? बहुत सारा आया हुआ है, सब ये सब ठेकेदारी मिलता होगा ना? ये गाड़ी वाले ना आगे जा रहे हैं ना पीछे हो रहे हैं, तो इसको तो मैं अभी कर दिया जस्ट पीछे सेकंड के अंदर। अरे दौड़ लेंगे यहीं पर, ट्रेन रुकेगी नहीं, टाइम में नहीं था। ना परेशान हो, 7 बज रहा है अभी, 7:35 हो रहा है। इतना लंबा नहीं बंद करेंगे, 15 मिनट थोड़ी बंद करेंगे। चलिए एकदम आगे लगा देते हैं। ये पहुंच गया बरगवां, और बरगवां में लगा है जाम, नहीं इसको क्या बोलते, स्टॉपर। ठहरिए, आगे ट्रेन है। भाई बेचारे इतने वजन लेके सुबह जो ट्रेनें आ रही होगी ना, और रुकने वाली ना होगी, तुम सीधा स्पीड में निकल जाएगी। अरे भाई मैं पूछ लेता हूँ पहले। ये भैया किस ट्रेन के लिए स्टॉपर लगा है? अरे मालगाड़ी है, मालगाड़ी। उसके लिए तो नहीं है ना, पता चला कि यहीं पे अटक गया। सिंगरौली है ना, आधा घंटा लगेगा। अरे अभी उसको आते लग जाएगा, आते आधा घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्टॉपर लगा हुआ है, कोई मालगाड़ी आ रही है, मालगाड़ी आती क्या जी? है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोल रहा हूँ मोबाइल चला ले जब तक, अभी बहुत टाइम है। तो ये स्टॉपर लगा है, और अब चलते गाड़ी के अंदर। आप आंटी बहुत परेशान हो रही हैं, बोले अभी मालगाड़ी के लिए लगा है, और गाड़ी जब तक बोल रहे हैं कि आप लोग ना मोबाइल चला लीजिए, मालगाड़ी चली जाएगी, ये खुल जाएगा। अभी आधा घंटा टाइम है, सिंगरौली में ही ट्रेन पहुंची है, तो आधा घंटा इंतजार करना है। मैं तो नहीं होने वाला हूं बोर, क्योंकि अंकल हमारे साथ है, अंकल के रहते हुए मैं बोर नहीं हो सकता। क्या अंकल, आप क्या कहते हैं, आप बोर होते क्या? अभी पहुंच गया है बरगवां, और निकलते हैं बाहर, देखते हैं बाहर। आ गए हैं रेलवे स्टेशन, और अब जा रहे हैं ट्रेन का इंतजार करने। ट्रेन जैसे ही आएगा अंकल को बिठाएंगे, और फिर मैं यहाँ से निकलूँगा वापस। अभी नहीं निकल सकता क्योंकि इतना दूर आया हूँ, थोड़ा देर रुक लेता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ रेलवे स्टेशन कैसा है। छोटा सा रेलवे स्टेशन, काम चलाओ। मतलब एक ट्रेन के लिए इतनी भीड़ है ना, सारे लोग एक ही ट्रेन में बैठ के चले जाएंगे, इसके बाद से तो तुरंत कोई ट्रेन भी है नहीं। चलिए, बहुत भीड़ है, सारे लोग एक ही ट्रेन में। मुझे तो ऐसा लग रहा है बुकिंग में कम, और वो क्या रहते नॉर्मल टिकट वाले ज़्यादा होंगे, है ना? विदाउट टिकट, हाँ विदाउट टिकट नहीं, टिकट लेते हैं लेकिन नॉर्मल टिकट, वो रिजर्वेशन नहीं रहता है। भैया बना रहे,
अच्छा, ये कार्ड रेलवे स्टेशन के साइड से मिलता है क्या? लेमन वाला है? हाँ लेमन। कितना देना? लेमन चेक। क्या है? लो और आगे। ट्रेन आ चुका। ठीक है, बाय बाय। ट्रेन में अंकल आंटी बैठ चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ घर की ओर। और ट्रेन खुलने को हो चुकी है तैयार, सायरन बज चुकी है और देखते हैं कितने देर में खुलती है। आगे ब्रेकर भी है तो ब्रेकर के कारण मेरी कार भी फंस जाएगी। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ट्रेन चली जाएगी तो मैं भी साथ में पीछे से निकल लूँगा अपनी कार से। तो कैसा लगा आपको ये रेलवे स्टेशन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। झंडी मिल चुकी है ट्रेन को और वो निकल चुकी है, अब निकल रहा है घर की ओर और यहाँ बैठ गए कार में। तो भाई ये लगी चाबी, हो गए रेडी और भैया बरगमा बाय बाय। क्या भैया एक नंबर मजेदार। क्या बताएं, ड्यूटी है, ये लेने के लिए नहीं तो लेते हैं। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पैसा लो भाई, मजबूरी है। लाइक करो, फॉलो करो। ये देख सकते हैं पटरी के बीच से सभी लोग गाड़ी ले जा रहे थे और मैं भी अपनी कार पटरी के बीच से ले जा रहा हूँ। अरे भैया ये ब्रेक डांस वाला एरिया है भाई, बड़ी मुश्किल से यहाँ से पास करने रहते हैं। और पहुँच चुके हैं वैडन, अभी यहाँ आ गए हैं अंबेडकर चौक के पास, जहाँ पर हमारे अंबेडकर साहब की स्टैचू लगी है खूबसूरत सी। देख सकते हैं सुबह सुबह की क्या मस्त स्टैचू दिख रही है, सूरज पीछे और हमारे अंबेडकर साहब बीचों बीच खड़े हैं। अब आ गए हैं घर तो निकलते हैं गाड़ी बंद करके बाहर और भाई को देता हूँ चाबी गाड़ी की। आ चुके हैं घर पे और यहाँ के बाहर की लाइटें चालू से मैडम लगता है बंद नहीं की है, तो मेरे को बंद करना पड़ेगा, थक चुका हूँ यार। सुबह सुबह गाड़ी चलाना ये अलग फीलिंग रहता है। खोलना जी, आ गया। वो बाहर की लाइटें बंद कर देना, तो कार की चाबी यहीं पे रखा है, बाद में दे देना अंकल। आप बताइएगा कि वैडन से बरगमा और बरगमा से वैडन का सफर आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।